आज मैं शायद 2022 का सबसे घटिया स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फोन घटिया नहीं है, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रेटजी है वो मुझे बहुत चीप लगा। आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। 2022 में भी अगर आप एक 4G स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो और आपका बजट 12 से 13 हज़ार रुपए के आसपास है, तो आप रेडमी नोट 11 SE ले सकते हो। हर स्मार्टफोन का प्रोज एंड कॉन्स होता है। एडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंस के साथ, और इस स्मार्टफोन से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। डुअल स्पीकर के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड जो प्रोसेसर है इस सेगमेंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाएगा। यानी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, बट ये एक 4G स्मार्टफोन है और ये एक रीमेक है। साउथ का बॉलीवुड वाला रीमेक नहीं है, समझ लो कि बॉलीवुड ने बॉलीवुड का रीमेक कर दिया। डायरेक्टर भी सेम, एक्टर्स भी सेम, प्रोड्यूसर भी सेम, बस गाने निकाल दिया है। Redmi Note 10S एंड Redmi Note 11SE दोनों सेम फोन है। दोनों स्मार्टफोन में अगर कोई डिफरेंस है तो Redmi Note 11SE में आपको डब्बे के साथ चार्जिंग ब्रिक यानी अडेप्टर नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे याद है Redmi Note 10S का जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB 12 से 13 हज़ार रुपए के आसपास दिखा था चार्जिंग अडेप्टर के साथ, बट अभी Redmi Note 10S का प्राइस जो है बेस वेरिएंट का बढ़ाकर 14 हज़ार रुपए कर दिया है बैंक डिस्काउंट के साथ 13 हज़ार रुपए। अगर आप Redmi Note 11SE लेते हो तो बैंक डिस्काउंट के साथ आपको 12,500 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अडैप्टर नहीं मिलेगा। अब मार्केटिंग फंडा समझ में आ गया है ना, आप 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर Redmi Note 10S लोगे या फिर 500 रुपए का बचत करके Note 11SE लोगे। अगर आप मुझसे एडवाइस दो तो मैं कहूंगा कि आप दोनों में से कोई भी मत लो, कंपनी की फटेगी तो प्राइस अपने आप थोड़ी सी घटेगी। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड को देखें ना, तो जिस फोन के साथ अडैप्टर नहीं मिला है उस फोन का पैकेजिंग थोड़ा सा स्लिम थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन इस फोन में सेम पैकेजिंग यूज किया गया है, बस अडैप्टर निकाल दिया है डब्बे से। मेरे पास Redmi Note 10S का ब्लू कलर था और मैंने नोट 11SE का भी सेम ब्लू कलर लिया है। सेम फोन, सेम कलर, सेम लुक, सेम डिजाइन, सेम वॉलपेपर एंड सेम ब्लोटवेयर। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, जैसे ये फोन को आप स्विच ऑन करोगे तो आपको भारी सदमा लग सकता है। 2022 अगस्त का महीना चल रहा है और अभी भी MIUI 12.5 यानी Android 11, एटलीस्ट MIUI 13 मिल सकता था Android 12 के साथ, लेकिन वो भी नहीं मिला। फिर मैंने भारी मन से सेटअप कंप्लीट किया, वाईफाई से कनेक्ट किया और चेक किया, कोई अपडेट तो नहीं मिला, लेकिन लेटेस्ट अगस्त का सिक्योरिटी पैच दिखा। अगर मैं इसे ऑलमोस्ट सेम प्राइस वाले पोको Pro 5G से कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बट 60 Hz के साथ। क्या आप 2022 में एक 4G स्मार्टफोन लेना चाहोगे 60 Hz एमोलेड डिस्प्ले के साथ या 5G स्मार्टफोन विद 90 Hz HD डिस्प्ले? Note 11SE में आपको 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन Poco M4 Pro 5G में नहीं मिलेगा। इस तरह के फोन्स अगर ऐसे ही लॉन्च होते रहना तो काम अपना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, ना नया कुछ देखने को रहेगा ना नया कुछ बताने को रहेगा। ये जो 14-15-16 हज़ार का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है ना, बस पुराने स्मार्टफोन में हल्का सा ट्वीक करके फिर से सेम स्मार्टफोन को नए नाम के साथ लॉन्च किया जा रहा है, या फिर पुराने प्रोसेसर में हल्का सा ट्वीक करके एक नए नाम के साथ, कंपनी के पास कुछ करने को नया बचा नहीं। इसे में मेरे ख्याल से जो पुराने फोन है जो 6-8 महीने पहले लॉन्च हो चुका है, अगर उन फोन्स में आपको बेटर डील मिल रहा है, बेटर ऑफर मिल रहा है, तो वो फोन हमें लेना चाहिए आज के डेट में। मैंने प्लान किया है जो फोन 6-8 महीने पहले लॉन्च हो चुका है, जिन फोन्स पे अच्छा डील मिल रहा है, उन फोन्स को आज के लेटेस्ट स्मार्टफोन से कंपेयर करके आप लोगों को बताऊं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर डील रहेगा। आप लोग अपनी राय भी जरूर शेयर करना, मैं वेट करूंगा। बाकी वीडियो अगर किसी भी एंगल से आपको हेल्पफुल लगा तो फिर से याद दिला दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।